दिल्ली में प्रदूषण की समस्या जिस तरह से बढ़ रही है, अब ये समस्या और इसका खतरा जो है आज दिल्ली का बच्चा बच्चा भी समझ रहा है। और इसे समझाने के लिए आज दिल्ली के कई स्कूलों से जो है आज बच्चे यहाँ दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में इकट्ठा हुए हैं। एक मूवमेंट यहाँ चलाया जा रहा है जिसके थ्रू लोगों को समझाया जाएगा कि कितना जरूरी है पॉल्यूशन से हमें राहत मिलना, पॉल्यूशन को खत्म करना कितना जरूरी है। कुछ बच्चों से हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर उनके पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, कई बच्चों के साथ आए हैं जो उनका फेवर कर रहे हैं। कुछ बच्चे किस तरह से सोचते हैं, आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मकसद है? हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम एयर पोल्यूशन के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें, बिकॉज अभी वी द सोसाइटी नीड्स टू रियलाइज दैट दिस इज अ वेरी ग्रेव प्रॉब्लम एंड इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम दैट वी नीड टू गिव अटेंशन टू। हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हमें इसके लिए एक्शन लेना है। तो आई थिंक अब थोड़े दिन में ये हमारी डेली लाइफ को भी इफेक्ट करने लग जाएगा, इनफैक्ट अभी भी करता है, एंड हम सबको अब रियलाइज करने की ज़रूरत है। तो हम इधर हैं ताकि हम प्रोटेस्ट कर पाएँ कि हमें एक्शन लेना है और सबको बता सकें दैट वी एक्चुअली नीड टू। क्या लगता है आपको, कितना ज़रूरी है इस एयर पॉल्यूशन को दूर करना, इसको खत्म? मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है एयर पॉल्यूशन को रिमूव करना, क्योंकि वो हमारे प्लैनेट को बहुत डेंजरस पहुँचाता है। लगता है आप बच्चों की आवाज़ अब लोग समझेंगे और शायद कुछ करेंगे और आपके साथ आएंगे? हाँ, मुझे लगता है कि अब लोग आएंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो अब ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है। हम बाहर निकल भी नहीं पाते हैं आधे से ज़्यादा दिनों पे, इतना गंदा AQI रहता है हमारे पूरे देश का, हम निकल नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोग समझेंगे, और मैं इसमें हमारे बड़ों को भी हकदार मानती हूँ, इस प्रॉब्लम का हम अपने बड़ों को भी हकदार मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी समझा ही नहीं, उन्होंने समझने में देरी कर दी शायद कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये इश्यूज होंगे। तो यहाँ पे तमाम पोस्टर्स के साथ जो है आज बच्चे यहाँ आए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट, प्लैनेट बिफोर प्रॉफिट, ये तमाम जो है कोटेशन के साथ आज ये बच्चे निकले हैं और कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए इस मूवमेंट में। बहुत ज़रूरी था आज लोगों को समझाना। जी, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी आर डूइंग इट फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज द पोल्यूशन इंक्रीजेज पीपल। किस तरह की दिक्कतें होती हैं, कितना खतरनाक है ये पॉल्यूशन और कितना खतरनाक होता जा रहा है? इट कैन कॉज कैंसर्स एंड बिकॉज ऑफ कैंसर मेनी पीपल कैन डाई। Yeah. And it's their own mistake that they are polluting the earth by smoking, and they should do carpool and processes like this. तो देखिए कितना जरूरी है, छोटे छोटे बच्चे जो है आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इस पॉल्यूशन को खत्म कीजिए, प्लीज इस पॉल्यूशन को बंद कीजिए। अपने इन नारों के साथ आज ये बच्चे यहाँ जुटे हैं और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी भीड़ यहाँ पर आज इकट्ठा हुई है। बड़ी संख्या में बच्चे तो आज थे ही, साथ ही जो है उनके पेरेंट्स हैं और जो यहाँ से आसपास के गुजरने वाले लोग थे वो भी इनके साथ खड़े दिखाई दिए। कैमरामैन ललित के साथ पूजा राठौर, शर्मा, टोक न्यूज़, दिल्ली।